भारतीय वायु सेनाओं के पास कई तरह के उन्नत अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिसमें से एक का नाम एचएएल ध्रुव एएलएच यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, जिसे भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो कि विभिन्न प्रकार के सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका विकास 1984 में शुरू किया गया था। हालांकि एचएएल ध्रुव अटैक हेलीकॉप्टर के कई वेरिएंट हमारे पास मौजूद है, जिसमें MK1, MK2, MK3 और MK4 शामिल है। और बात करें एचएएल ध्रुव अटैक हेलीकॉप्टर की विशेषताओं की, तो इसमें 2 टर्बोसॉफ्ट इंजन का उपयोग किया गया है, जबकि इसकी प्रारंभिक मॉडल में TM-333 2x2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, और इसके दूसरे वेरिएंट में जैसे कि MK3 और MK4 में शक्ति इंजनों को लगाया गया है, जिसका निर्माण सफरान हेलीकॉप्टर इंजन और HAL ने मिलकर किया है। और आगे बात करते हैं इस अटैक हेलीकॉप्टर की स्पीड और रेंज की, तो इसकी अधिकतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी रेंज 630 किलोमीटर है, जो कि अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई पर आराम से उड़ान भरने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर के अधिक एडवांस होने के कारण ही इसे 2 पायलट की सहायता से उड़ाया जा सकता है, जो कि अपने साथ 12 से 14 लोगों की सैनिक टुकड़ी या नागरिकों को लेकर जा सकता है। आगे चलने से पहले इसके दूसरे वेरिएंटों की बात कर लेते हैं, जिसमें पहले MK1 है। तो यह सबसे पहला संस्करण है, जिसका उपयोग सैन्य और परिवहन की सप्लाई के लिए होता है। दूसरा है ध्रुव MK2, इसमें बेहतर एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम है। तीसरे नंबर पर आता है MK3, जो कि आधुनिक एवियोनिक्स सेंसर और हथियारों से लैस है, और इस वेरिएंट का उपयोग लड़ाकू मिशनों के लिए किया जाता है। आगे चौथे नंबर पर MK4 आता है, ये एक हथियारबंद संस्करण है, जो कि एंटी टैंक मिसाइलों रॉकेट्स और मशीन गन से लैस है। इसे विशेष रूप से हमला और लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अब HAL ध्रुव अटैक हेलीकॉप्टर की और उसमें लगने वाले सेंसर होगी। हालांकि ध्रुव के उन्नत वेरिएंट में आधुनिक ग्लास कॉकपिट होता है, जिसमें मल्टीफंक्शन डिस्प्ले और डिजिटल एवियोनिक्स शामिल है। आगे बात करते हैं इसमें लगने वाले 4 ब्लेड रोटर सिस्टम की, जो कि इसे स्थिरता और कम ध्वनि के साथ उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा इसमें शक्ति इंजन और उन्नत डिजाइन इसे ऊंचाई वाले इलाकों जैसे सियाचिन ग्लेशियर में उड़ान भरने के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना इस हेलीकॉप्टर का व्यापक रूप से उपयोग करती है, जिसे मॉरिशस, नेपाल, इसराइल और मालदीव जैसे देशों को निर्यात किया गया है।